नमस्कार, तोपचंद नाइट टॉप 10 में आपका स्वागत है। हम आपको करवाएंगे दिन भर की प्रमुख खबरों से रूबरू। बस्तर के नारायणपुर में नक्सल ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे जवानों की बस को नक्सलियों ने बम से उड़ा दिया। इस हमले में बस चालक समेत 4 जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल और 12 जवानों को हमले में मामूली चोटें आई हैं। 2 घायलों में 1 जवान की बाद में मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 12 जवानों का नारायणपुर में इलाज चल रहा है, जबकि 1 जवान को रायपुर रिफर किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत विपक्ष के नेताओं और मंत्रिमंडल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। केंद्र सरकार की मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने का फैसला लिया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन के दायरे में आने वाले लोग जल्द से जल्द अपना पंजीयन कराकर वैक्सीन लगवाएं। राजधानी के उरला थाना क्षेत्र के सरोरा इलाके में स्थित सार्थक TMT में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें फर्निश के ब्लास्ट होने से 8 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। इसमें से 1 मजदूर की मौत भी हो गई। अन्य 7 मजदूरों का रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जशपुर में BJP के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने बगीचा थाना में मंगलवार को हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस ड्रामे की वजह थी कोरोना आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में अखिल भारतीय जनजातीय मंच मंगलवार को जनसभा और रैली करने वाला था, लेकिन कार्यक्रम के 2 घंटे पहले SDM और तहसीलदार ने कार्यक्रम की तैयारियों को रुकवा दिया। फिर क्या, गणेश राम भगत थाना पहुंच गए। काफी देर तक थाने में हंगामे के बाद आखिरकार उन्हें सभा और रैली करने की कलेक्टर ने अनुमति दी, लेकिन तब तक भीड़ की संख्या प्रभावित हो चुकी थी। दुर्ग कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिले के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि शादी ब्याह अंतोष्टि दशगात्र में शामिल होने वालों की संख्या 50 होनी चाहिए। इसके अलावा आंदोलन, प्रदर्शन, रैली, सभा और खेलकूद के आयोजन, होटलों और क्लब में होली मिलन के कार्यक्रम आदि पर 13 अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने पूर्व में निर्धारित और नए कार्यक्रमों के लिए पृथक से अनुमति लेने भी कहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से प्रदेश को संक्रमित कर रही है, लिहाजा सरकार ने स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाएं इस दौरान होनी है, इसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 13 अप्रैल से शुरू होने वाली 10वीं और 3 मई से शुरू होने वाली 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए माशिम परीक्षा केंद्रों में आइसोलेशन रूम बनाए जा रहे हैं। इस आइसोलेशन रूम में कोरोना संक्रमित छात्र भी बैठकर अपनी परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा केंद्रों में शिक्षक PPE किट पहनकर परीक्षा संपन्न करवाएंगे। संक्रमित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिका अलग लिफाफे में जमा की जाएगी। हालांकि संक्रमित विद्यार्थी को परीक्षा में शामिल होना है या नहीं, वह उनके विवेक पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI की लोन मॉरेटोरियम नीति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और 6 महीने के लोन मॉरेटोरियम की अवधि को बढ़ाने से भी इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि पूर्ण ब्याज की माफी संभव नहीं है, क्योंकि यह जमाकर्ताओं को प्रभावित करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन क्षेत्र पाटन के अंतर्गत ग्राम बठेना में गायकवाड़ परिवार की मौत का मामला सोमवार को लोकसभा में भी गूंजा। सांसद संतोष पांडे ने इस मुद्दे को उठाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, जो अब अशांत होता जा रहा है। ऐसा ना हो कि एक प्रदेश की तरह राज्य को भी उड़ता छत्तीसगढ़ बोलने लगेंगे। उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से नशाखोरी और हत्या की घटना प्रदेश में बढ़ रही है, वह पूरे छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादलों का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। सुकमा के संयुक्त कलेक्टर रवि कुमार साहू को बीजापुर जिला पंचायत के CEO की कमान सौंपी गई है। उनकी जगह रायगढ़ के डिप्टी कलेक्टर अरुण कुमार सोम को सुकमा भेजा गया है। सोमवार और मंगलवार को अब तक 6 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला हो चुका है। कवर्धा पुलिस और साइबर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ATM क्लोनिंग करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों शातिर आरोपी लोगों को ATM रूम में मदद करने के बहाने ATM बदल लेते थे, क्लोनिंग के माध्यम से वारदात को अंजाम देते थे। रोचक खबरों के लिए तोपचंद.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।